पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं यानी कि नेचुरल डिजास्टर से बचाने वाला सैटेलाइट निसार 9 मार्च 2023 को बेंगलुरु पहुंच गया। इसे पिछले महीने नासा ने इसरो को सौंपा था। इस सैटेलाइट को नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। यह सैटेलाइट आधुनिक SUV के आकार का है, जिसे दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी यानी कि JPL में विकसित किया गया है। यह एक ऐसा सैटेलाइट है जो पूरी दुनिया को बाढ़, आग, लैंडस्लाइड, भूकंप, तूफान, साइक्लोन जैसे डिजास्टर की जानकारी पहले ही दे देगा। इस सैटेलाइट को साल 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साइंटिफिक पेलोड में 2 प्रकार के रडार सिस्टम है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसे बनाने में 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। बेंगलुरु में इसे UR राव सैटेलाइट सेंटर में रखा जाएगा, जहां पर इसके रडार और सैटेलाइट बस को जोड़ा जाएगा। इसके बाद कुछ टेस्ट किए जाएंगे। इस मिशन का लाइफ टाइम फिलहाल 5 साल है, बाद में यह और बढ़ सकता है। इसका मैस रिफ्लेक्टर 40 फीट व्यास का है, यानी कि डायमीटर का है। इसे नियर पोलर अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। यह दिन और रात दोनों समय काम करने वाला सैटेलाइट होगा। इसे लॉन्च करने के लिए GSLV MK2 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। निसार पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। निसार स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की सूचना भी देता रहेगा। सैटेलाइट और उसके पेलोड की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। यह भारत और अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा जॉइंट साइंस मिशन है। निसार में 2 प्रकार के बैंड होंगे, L और S। ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती जनसंख्या पर या घटती बढ़ती संख्या पर नजर रखेंगे, साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर को भी स्टडी करेंगे। एस बैंड ट्रांसमीटर को भारत ने बनाया है और एल बैंड ट्रांसपोर्टर को नासा ने। इसका रडार इतना ताकतवर होगा कि यह 240 किलोमीटर तक के एरिया की एकदम साफ तस्वीरें ले सकेगा। यह धरती के एक स्थान की फोटो 12 दिन के बाद फिर लेगा, क्योंकि इसे धरती का पूरा चक्कर या पूरा एक चक्कर लगाने में 12 दिन लगेंगे। इस दौरान यह धरती के अलग अलग हिस्सों की रैपिड सैपलिंग करते हुए तस्वीरें और आंकड़े वैज्ञानिकों को मुहैया कराता रहेगा। इस मिशन की लाइफ 5 साल मानी जा रही है और इस दौरान निसार ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, भूकंप, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, जंगल, खेती, वेट अर्थ एंड परमाफ्रोस्ट, बर्फ का कम या ज्यादा होना आदि विषयों की स्टडी करेगा। निसार सैटेलाइट में एक बड़ा मेन बेस होगा, जिसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स, टेलीस्कोप और रडार सिस्टम भी होगा। इसके अलावा इसमें एक आर्म निकलेगा, जिसके ऊपर एक सिलेंडर होगा। यह सिलेंडर लॉन्च होने के कुछ घंटों बाद खुलेगा, तो इसमें डिश एंटीना जैसी एक बड़ी एंटीना निकलेगी। यह एंटीना ही सिंथेटिक एपर्चर रडार है। यही धरती पर होने वाली प्राकृतिक गतिविधियों की इमेजिंग करेगी। 2800 किलोग्राम के सैटेलाइट में 39 फुट का मिक्स एंटीना रिफ्लेक्टर है, जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना हुआ है। यह एंटीना में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की क्षमता रखता है। इसरो ने इस परियोजना पर 788 करोड़ रुपए, जबकि नासा ने 80.8 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। इसका रडार इतना दमदार होगा, यह 240 किलोमीटर तक के एरिया की एकदम साफ तस्वीरें ले सकेगा। इस सैटेलाइट से मिलने वाली हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियर्स की निगरानी में भारत और अमेरिका की सरकारों की मदद करेंगी। यह चीन और पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने में भी सरकार की मदद कर सकता है। इसरो ने 1979 से अब तक 30 से ज्यादा पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इनका उद्देश्य बेहतर योजना, कृषि और मौसम से संबंधित स्पेस इनपुट हासिल करना है। निसार में सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा है, जो देश के किसी भी अन्य उपग्रहों से मिलने वाली तस्वीरों की तुलना में अत्यधिक हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। इसमें बादलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।